the world come alive in your खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां सरकार एक तरफ स्वास्थ्य सुविधाओं पर निरंतर करोड़ों पैसा पानी की तरह बहा रही है। सरकार गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन यहां के उदासीन अधिकारी सरकार की योजनाओं का पलीता लगाते हुए दिख रहे हैं। हर गरीब को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके, न्याय पंचायत स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया, जो लगभग करोड़ों की लागत से बनना था, जिसका जिम्मा राज्य के निर्माण निगम को दिया गया। लेकिन हालात यह है कि ना तो बिल्डिंग तैयार हुई पूर्णतया, और बात किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की तो वह भी मौके पर जीरो है। आवारा पशुओं से परेशान ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को तबेदा में तब्दील कर दिया है, पर डॉक्टर की तैनाती तो है लेकिन डॉक्टर कहीं नामो निशान नहीं। ऐसे में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को कैसे आम लोगों तक पहुंचा सकेंगे अधिकारी, ये एक बड़ा सवाल। पेश है एक खास रिपोर्ट। मामला गोंडा जिले के तरबगंज तहसील के परास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर करोड़ों रुपए की लागत से हॉस्पिटल बना, लेकिन हॉस्पिटल अभी तक पूर्णतया बनकर कंप्लीट नहीं हुई। 2007 में परास गांव के एक ग्रामीण ने जमीन को निशुल्क स्वास्थ्य विभाग को बैनामा किया था कि हमारे गाँव में हॉस्पिटल का निर्माण होगा, लेकिन अफसोस अफसरों के चलते मनसूबा धरा का धरा रह गया। जिस बिल्डिंग में साफ सफाई होनी चाहिए, मरीजों को होना चाहिए, उस बिल्डिंग में जंगल उग आए हैं। यह जो आप पानी की टंकी देख रहे हैं, लाखों रुपए से ये बनकर तैयार हुआ टंकी आज जर्जर अवस्था में है। जहाँ पर लोग साफ सफाई की बात करते हैं, वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की बात किया जाए तो ये PHC जो है, इस तरह से गोंडा में लगभग 15 से 20 के बीच में PHC हैं जो अर्ध निर्मित हैं, और इनका फंड क्या है, कहाँ है, इसका कुछ भी कोई पता नहीं है। पेश है एक खास रिपोर्ट। आपका बबलू विश्वप्रकाश पांडे और बबलू पांडे। पांडे जी, ये हॉस्पिटल कब से बंद है? ये 4-5 महीना से। अभी इसमें क्या हो रहा है? कुछ नहीं, इसमें तो केवल बंद गाय चल रही हैं इसमें। ये गाय कौन बंद कर रहा है? इसको मालूम नहीं है, गांव के लोग इसमें मतलब भर के फिर गेट बंद कर देते हैं। इस अस्पताल में कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी, कोई आता है? कोई नहीं आता इस समय, कोई नहीं आता है। कितने दिनों से कोई नहीं आता? हम तो 4-5 महीने से नहीं देखा। परास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बस 17-18 से क्रियाशील है और वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। सर, कितने लोग वहाँ पे तैनात हैं? वहाँ पे 3 लोगों की तैनाती थी, डॉक्टर धीरज तिवारी की है, फार्मेसिस्ट और वार्ड बॉय की। मौके पे डॉक्टर साहब जाते हैं हॉस्पिटल? नहीं, मौके पे डॉक्टर साहब के घर में कोई कैजुअल्टी हो गई है तो वो इस समय पास पे है। सर, वहाँ स्थानीय लोग कहना है कि सालों से इसके अंदर कोई डॉक्टर नहीं आया। इसकी तो जानकारी मुझे क्लियर नहीं है, इसकी जानकारी करके फिर जो जानकारी थी हमारे द्वारा।
पीएससी जो आपका है वो कब कौन सी कंपनी ने निर्माण करवाया है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परास का निर्माण उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम इकाई फैजाबाद द्वारा कराया गया है। उसका मुख्य भवन क्रियाशील है और आवासीय भवन उसके फिनिशिंग स्तर पर है। सर जो बिल्डिंग कार वहाँ का बंद है इस कारण वो पूरी बिल्डिंग अभी हस्तगत नहीं। सर जो बिल्डिंग बनी हुई है वो धीरे धीरे करके जर्जर अवस्था में तब्दील हो रही है, और इसके लिए आपने अब तक क्या कार्रवाई किया, क्या किसी को लिखित आपने दिया? हाँ, इसके लिए समीक्षा नियमित समीक्षा की जा रही है और कार्यदायी संस्था को अभी पिछले महीने ही लेटर दिया गया। बार बार उनको इसके विषय में सचेत किया जा रहा है लेकिन उनके द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है। अभी आपका हॉस्पिटल जो है वो गौशाला में तब्दील हो गया है, वहाँ पे छोटा जानवर अंदर कैद है, इसके लिए क्या कार्रवाई करेंगे आप? इसकी तो जानकारी संज्ञान में नहीं है लेकिन आप द्वारा बताया गया है तो इसको तुरंत त्वरित कार्रवाई की।